बात कहेंगे ना तो MIM के जो आदमी ने कहा ना वही बात फिर मैं भी कह दूंगा। अगर मतलब आप बात क्या कह देंगे आप बात कीजिए पत्रकार कह दीजिए आज जो MIM के नेता ने कहा कह दीजिए शांतिपूर्वक। आपने कहा ना कि MIM के नेता वारिस पठान ने जो कहा आप वो कह देंगे कहिए। हाँ बेटा लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलते। बिल्कुल सही है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग? कल भी आप खुलवाना चाहते हैं? इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते। आप देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक। सुबह से शाम बहन डर गई, बहन डर गई। किसी पैनलिस्ट का अपमान कोई बात नहीं। आप उंगली करके बात मत कीजिए। आप एंकर हैं सर। आप एंकर हैं। आप उंगली मत कीजिए। आप मैं आपको समझा रहा हूँ। एंकर बन के सवाल पूछिए। मैं उत्तर दूंगा। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। आज के बाद जीने के खिलाफ समझा रहा हूँ। उंगली करके बात मत कीजिए। आज के बाद ZMCL के खिलाफ सोच कर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सुदर्शन के लिए मुर्दाबाद के नारे लगातार ये लोग लगा रहे। सुदर्शन न्यूज को दलाल बोल रहे हैं और मोदी और योगी दलाली करने वाला चैनल सुदर्शन न्यूज को बताया जा रहा है।